सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम खेल रहे कस्टम मैच 1v1। हमारे साथ खेल रहा है कौन बंदा मुझे पता नहीं, ये एक रैंडम बंदा है और मुझे इनवाइट करके बोलता है भाई मेरे साथ वर्सेस करेगा। तो मैंने सोचा चलो भाई कर लेते हैं, अगर जीत गया तो मेरा वीडियो निकल जाएगा, तो मैंने रेडी कर दिया और यहाँ पर मैं आ गया। और बंदे ने हरकत क्या किया था आपको पता है? नूब का ड्रेस लगाया था, नूब आईडी लेकर आया था, पूरा नूब। तो मैंने सोचा ऐसे नूबड़े को तो एक मिनट में हरा दूंगा, पिस्तौल से मार दूंगा। तो मैं रेडी हो गया, कहा चलो मार देते हैं साले को। तो यहाँ पर मुझे डेजर्ट ईगल चलाना नहीं आता है, तो मैं फिर भी चला रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। और बंदे ने मुझे थोड़ा सा डैमेज दिया। तो भाई ये बंदा जो है थोड़ा ठीक ठाक ही खेलता है। तो यहाँ पर ये बंदा आ चुका है और भाई कतई एमपी फाइव से मुझे खतरनाक वाला डैमेज दे रहा है, ग्लूअल भी नहीं लगा रहा है। और भाई इसीलिए मैं डेजर्ट ईगल नहीं चला था, मैंने डेजर्ट ईगल का प्रैक्टिस ही नहीं किया है और मुझे ठीक से चलाना नहीं आता है। किसी को मारूँ तो भाई शॉट कनेक्ट ही नहीं होता है और भाई वो बंदा मार के निकल लेता है, तो यही सीन मुझे बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर जो है हम दोनों के पास अभी एमपी फाइव है, भाई बराबरी का टक्कर होगा। भाई पहले राउंड में तो हमारे पास एमपी फाइव नहीं था, तो इसलिए हरा दिया तूने, इस बार देख भाई चिमका एंटी अपन को चैलेंज करता है भाई, कुछ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखो बंदा आगे ग्लूअल लगाता है, पीछे जाके छुपता है। भाई ये चिमकांडी की हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, तुम मेरे सामने मत कर। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इससे क्या होगा, हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाओगे। तो गाइस हम 200 सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़्यादा करीब है यार, जल्दी करवा दो। वहाँ पर हमारा बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाला है, वो वीडियो देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। और गाइस जल्दी से करा दो। और यहाँ बंदे देखो, ये बंदा ने रश कर दिया है और मेरा थोड़ा बहुत लैग भी हो रहा है, पर कोई नहीं भाई, इस बंदे को हम लैग में भी मार देंगे। भाई क्या हो रहा है यार, इतना खतरनाक क्यों हो रहा है? भाई मजाक कर रहा था, मैं लैग में कहाँ मार पाऊँगा यार। तो ये बंदा पीछे आ चुका है और इसको दिया दो गोली का दो शॉट, लेकिन ये बंदा मरा नहीं और एमपी फाइव से ख़त्म। भाई इसको ग्लूअल लगाना नहीं आता, मैं समझ गया भाई ये बंदा अपुन की तरह ही है नूबड़ा। भाई हेलो भाई, ये क्या था बे भाई क्वेश्चन से यार, मुझे ये समझ ही नहीं आया, मतलब मैं उसको नूब क्या बोल दिया इसने डायरेक्ट हेड। ओ भाई साहब यार, भाई लगता है इसने सुन लिया नूब बोला मैंने। भाई ये तो बहुत ही अलग लेवल का हेडशॉट मार दिया यार, भाई गेम स्टार्ट नहीं हुआ ख़त्म। भाई 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 संभल के खेलना होगा, भाई संभल के खेलना होगा सालो कमीनो बंदो। भाई क्या बंदा है यार, नूब ड्रेस पहन कर आ गया, मैंने तो सोचा इजीली हरा दूंगा, लेकिन भाई इतना डेंजरस हेडशॉट कौन मारता है बे? कम से कम भाई ये नूब का इज्जत तो रख दे भाई, नूब ड्रेस पहन के आया उतना डेंजर हेडशॉट, अब साले भाई। लेकिन एक बात ये है, इसको ग्लूअल लगाना नहीं आता, अगर ग्लूअल लगाना आता तो भाई साहब क्या ही हो जाता यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर ले लिया है मैंने AWM। तो गाइस इससे आगे वाले राउंड में ये बंदा भी AWM लेगा और भाई इसका AWM देखकर मेरी फट गई। भाई 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 क्या ही सीन हुआ था भाई यहाँ पर, ये बंदा गया किधर, साला चिमकांडी भागता है भाई, किधर है बे? और भाई ये बंदा जो है मतलब अलग लेवल का है भाई, छुप जाता है, कहाँ पर जाके छुपता है ये पता नहीं। मुझे डर भी लग रहा है खेलने के लिए, क्योंकि भाई छुपने वाले बंदों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भाई क्या होता है, हम जब इधर रश कर रहे हैं वो बंदा पीछे आके सरप्राइज कर देता है, भाई ये सरप्राइज से मुझे बहुत डर लगता है। देखो अभी तक निकला बंदा नहीं निकला, भाई क्या करूँ मैं, करूँ मैं क्या, अभी नीचे जाके देखता हूँ और भाई एक सरप्राइज बोल के किधर जाएगा मुझे पता नहीं यार, डर भी लग रहा है, साला चिमकांडी कहाँ भाग गया बे। तो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाक से गाइस। और देखो भाई जैसा कि मैंने बोला था, साला एक नंबर का चिमकांडी लौंडा है भाई, और मेरा स्नाइपिंग आज देख के मुझे ही घिन आ रही है भाई, साला चिमकांडी यार इतना घटिया स्नाइपर कौन चलाता है यार, ऐसा ही रहा तो मैं छोड़ दूंगा स्नाइपर, साला चिमकांडी एक दो तीन गोली मारा तो एक शॉट कनेक्ट हुआ। तो इसी के साथ बंदा ख़त्म हो गया और यहाँ पर इसको हो चुका है 4-2। और अभी देखो भाई ये बंदा जो है ये भी AWM लेके आएगा, भाई मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया इसको भी इतना खतरनाक AWM चलाना आता है, लेकिन ये बंदा तो अलग लेवल निकला भाई, ये तो पीरो मानुस निकला। और देखो भाई AWM से कतई धोएगा मुझे ये, भाई क्या हो रहा है, कौन सा गन चला रहा है अभी, AWM है कि नहीं है, AWM नहीं है। मुझे मतलब मैं जब खेल रहा था तो मुझे लगा AWM इस राउंड में है, तो अभी कमेंट्री कर रहा हूँ तो इसीलिए लगा, मतलब क्या बोला ये मुझे भी समझ नहीं आया, तो आपको क्या आया होगा। तो चलो छोड़ो गाइस, नहीं भाई
इग्नोर क्यों मारा भाई इसको, इसके पास AWM है, जैसा कि मैंने बोला था भाई AWM है तो है, इसके पास AWM है, देखो कितना भयंकर वाला डैमेज दिया। अब मेरी फट गई, पूरी तरीके से फट गई, क्योंकि बंदे ने रश कर दिया। तो भाई रश तो कर दिया, लेकिन हम छोड़ेंगे भाई, हमारे पास शॉर्ट गन है भाई, पूरा मुंडी उंडी तोड़ेंगे भाई, मेरे को रश करेगा चिमकांडी, तेरी इतनी हिम्मत, और भाई डैमेज देगा मेरे को, ये ले चल ख़त्म, निकल पहली फुर्सत में। और यहाँ पर मैं रश करने की कोशिश कर रहा था AWM लेके, और उस बंदे ने भाई क्या ही डैमेज दिया, मैं किधर को गोली चला रहा हूँ मुझे भी पता नहीं चल रहा है भाई, अलग लेवल हो रहा है भाई आज AWM, छी मतलब इतना वाहियात तो मुझे भी, मैंने आज तक नहीं चलाया भाई, आज तक सच्ची बता रहा हूँ, रैंक मैच हो, क्लासिक हो, कोई भी मैच हो, CS हो भाई, वहाँ पर अगर मुझे AWM मिल जाए तो कतई तबाही मचा देता हूँ, लेकिन भाई आज क्या सीन हो रहा है, ओ भाई ये सीन हो रहा था, देखो भाई क्या सीन हो रहा है, शॉट कनेक्ट ही नहीं हो रहा है भाई, क्या करूँ मैं, इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो मैंने सोचा भाई इसको मैं दूसरा गन से मारूंगा ही नहीं, जब ये मैच बराबरी का चल रहा है तो चलने दो, वो AWM से मारेगा मैं भी मारूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे AWM चलाना नहीं आता है भाई, ये थोड़ा हाथ बिगड़ गया है, चलो कोई नहीं यार, हम फिर से कोशिश करेंगे, लगता है ट्रेनिंग खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई AWM में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, एक दो दिन अगर आपने छोड़ दिया AWM चलाना तो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, इतना वाहियात है भाई क्या बताऊँ। तो यहाँ पर देखो मेरा शॉट ही कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब भी मैं कस्टम मैच खेलता हूँ अगर वहाँ पर AWM यूज करता हूँ तो आप लोग पता है कितना खतरनाक चला, तो लेकिन आज क्या हो रहा है भाई, तो चलो छोड़ो यार क्या कर सकते हैं, अभी ये बंदा रस करने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुंडी वुंडी कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर 5 राउंड तो हम लोगों ने जीत लिया है, और बंदा गया किधर भाई, ये छुपने वाली आदत जो है बहुत ही बुरा लगता है यार, कौन ऐसे छुपता है भाई चिमकांडी, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आ चुका है भाई, ओ भाई भाई ये मुझे थोड़ा अजीब लगा यार, मैंने जब वहाँ पर स्कोप कर रखा है मेरा रेड डॉट आया ही नहीं, और उस बंदे ने मुझे डैमेज भी दे दिया भाई, कैसे दे दिया, वॉल के अंदर से दे दिया भाई, ये क्या ग्लिच हो रहा है यार, हम मारे तो नहीं लगेगा, वो मारेगा तो लगेगा, ये भी सीन होता है क्या, और देखो यहाँ पर देखो क्या ही खतरनाक चला रहा हूँ, चलो छोड़ो गाइज हमको थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा AWM के लिए, अभी हम ट्रेनिंग जाएंगे, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम हार नहीं मानेंगे भाई, हम मारेंगे AWM से ही, लेकिन इस बंदे ने मुझे मार दिया भाई, ये गलत सीन हो गया हमारे साथ भाई, खतरनाक कांड हो गया भाई, क्या करूँ मैं, क्या मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है गाइज यार, क्या ये AWM मतलब पूरा मूड खराब करके रखा है, चलो छोड़ो इस बंदे को तो मारेंगे भाई, तोड़ फोड़ देंगे साला चिमकांडी, ये ले 150 का, अभी मुझे पूरा गुस्सा आ गया है, और इसका पेड़ दिखा, लेकिन भाई बंदा मरा नहीं भाई, शॉर्ट रेंज में जाके AWM चलाएंगा हमें, और भाई भाई क्या हो रहा है, अबे अबे मार ना बे चिमकांडी साला यार, इतना अच्छा एम था भाई, लेकिन मेरा गोली मतलब फायर बटन भी क्लिक नहीं हो रहा था भाई, क्या करूँ बे, और ये ले ख़त्म भाई, मुझे मतलब AWM में भाई चैलेंज करेगा, तो गाइज आपको पता है ये AWM जो है ये कस्टम मैच में यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अज्जू भाई कितना अच्छा AWM चलाते हैं रैंक मैच में, लेकिन भाई कस्टम मैच में जब अज्जू भाई वर्सेस अमित भाई हुआ था तो अज्जू भाई हार गया था, और अमित भाई का जो गेम प्ले है रैंक मैच में स्नाइपर से बहुत ही मतलब उतना ठीक ठाक नहीं है, आप लोग भी पता है, लेकिन अमित भाई जीत गया था कस्टम मैच, तो यही सीन होता है यहाँ पर जो है मतलब ज़्यादा ग्लोबल होता है, बंदा इधर उधर मूवमेंट ज़्यादा दिखाता तो इसलिए ये सीन हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था गाइज, मुझे लगा भाई मेरा AWM बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ा तो है उतना सही तो नहीं जा रहा है, फिर भी यार यहाँ कस्टम में इतना चला रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए, है कि नहीं गाइज, तो यहाँ पर भाई देखो यार ये बंदा झांकता भी नहीं है साला चिमकांडी, शॉट कहाँ से दे देता बे, कम से कम अपना मुंडी बॉडी कुछ तो दिखा, तो मान भी लूँगा कि भाई तूने मारा, लेकिन भाई कुछ भी नहीं दिखाता है, मार दे रहा है डायरेक्ट चिमकांडी साला यार, ऐसा कौन करता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते हो क्या सीन हो गया भाई, एक भी कमेंट नहीं आ रहा है यार, ऐसा मत करो, और ये देखो बंदा का सिर्फ हाथ दिखा मुझे, हाथ से बंदे ने गोली फेंक के मार दिया भाई, स्नाइपर मारा कि नहीं मारा ये मुझे पता नहीं, लेकिन हाथ से तो मारा है भाई, मैंने देखा उसका हाथ, और भाई मैं इधर से भाग के आ चुका हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है भाई इस बंदे से भाई, कतई हरामी बंदा है भाई, इसके पास AWM है कि नहीं है अभी पता नहीं मुझे, और यहाँ पर अबे
चिपका, मतलब ये क्या हो रहा है भाई? एक गोली तो चिपका दिया लेकिन एक गोली बाकी रह गया यार। थोड़ा सा स्पीड करता तो हो जाता गाइस, लेकिन कोई नहीं, अभी प्रैक्टिस का कमी है गाइस, हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे और जीतेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया शॉट गन, क्योंकि उस बंदे ने चीटिंग किया तो हम भी चीटिंग करेंगे, क्योंकि हम जब डबल स्नाइपर चला रहे थे तो उसको किसने बोला था शॉट गन यूज़ करने के लिए? साले चिमकांडी शॉट गन यूज़ करता है बे भाई। लेकिन ये बंदा जो स्नाइपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला रहा है भाई, देखो ये क्या सीन हो रहा है भाई। मैं ग्लूवाल के अंदर आ जा रहा हूँ फिर भी ये बंदा मुझे डैमेज कैसे दे रहा है, मुझे मतलब ये सीन ही समझ नहीं आया यार। ये मेरा लैग हो रहा है क्या हो रहा है? पिंग हाई तो नहीं जा रहा है अभी मेरे ख्याल से, तो भाई जा ही नहीं रहा है। और भाई एक सीन क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है भाई? मैं जब ग्लूवाल के अंदर हूँ तो वो बंदा मुझे डैमेज कैसे दे रहा है? और यहाँ पर जो मेरे साथ सीन होता है भाई, क्या ही बताओ यार, दिमाग ख़राब कर देता है। बंदा चिपक के बैठा था, साला चिपकू, साला हरामी बंदा। देखो भाई, मैंने जैसे ही ग्लूवाल हटाया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या हो गया कि डर गया भाई, इसके पास शॉट गन था भाई, और मैं ग्लूवाल, मेरे हाथ में ग्लूवाल फटा से गन भी चेंज नहीं हो रहा था, तो मैंने ग्लूवाल लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं डर गया। और यहाँ पर मैंने ले लिया एक शॉट गन और MP40 भाई, मुझे डर लग रहा है ये वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा, यूट्यूब में हार जाऊँगा तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे एक नूब ने मार दिया भाई यहाँ पर। लेकिन भाई इतना ये जो 6 राउंड जो जीत चुका है ये बंदा, ये जीत नहीं पाता, क्योंकि मैंने इस मैच को थोड़ा बहुत मजाक में भी ले लिया, क्योंकि डबल स्नाइपर चला था वो, कभी ये चला तो मुझे पता है मेरा अभी स्नाइपर नहीं चल रहा है ठीक से, फिर भी डबल स्नाइपर ही चला रहा था मैं, आप लोगों ने देखा तो, इसीलिए ये राउंड इतना राउंड ये बंदा जीत चुका है, नहीं तो इसको जीतने नहीं देता मैं। साला चिमकांडी अपन से जीतेगा, इतना तेरी हिम्मत? तो ये बंदा जो है कतई पीछे जा रहा है आगे जा रहा है, मतलब मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत डर चुका हूँ, क्या होगा ये सीन भाई? अगर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता तो भाई ख़त्म कहानी। और देखो भाई बंदा का, देखो क्या कर रहा है भाई, ये ऐसे कैसे करते हैं भाई, मतलब गन को पूरा सीधा कर लेते, इसमें स्कोप थोड़ी ना है भाई। देखो भाई कैसे सीधा सीधा रखा है भाई, कैसे करता है ये बंदा मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा भी हेड नहीं पकड़ा, एक हेड पकड़ लेता चला बाप का क्या जाता भाई MP40 भाई, कतई चिमकांडी आदमी है यार, मतलब चिमकांडी गन है। जब हेड पकड़ना हो तो पकड़ेगा नहीं, जब नहीं पकड़ना है तो पकड़ लेगा। और इसी के साथ हमारा बोया हो चुका है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।